संतोष शर्मा, आप उस ऐप का आईपी एड्रेस ढूंढिए। हम देखते हैं कि कहीं कुछ और क्लू मिल जाए। मिल गया मैडम सर। ग्रेट, दिखाओ। डाउनलोड करूं? आर यू श्योर वही ऐप है? 100% मैडम सर। ओके, करो। मैडम सर, इसमें चैटिंग का भी ऑप्शन है, दिखाओ। देखिए, अरे हाँ, इसका मतलब। संतोष शर्मा, गुड जॉब। थैंक यू मैडम सर। हो गया, इसके आगे हम संभाल लेंगे। ठीक है मैडम सर, पानी? हाँ, किचन में रखा है, ले लो। आपको आपको चाहिए पानी? जय हिंद मैडम सर। हाय, आई एम रितिका। मुझे भी आप लोगों के साथ काम करना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कहाँ कांटेक्ट करना होगा, किससे बात करनी होगी, प्लीज गाइड मी। प्लीज सेंड योर पिक। नहीं 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 नहीं, वो हमारा चेहरा देखेंगे तो पहचान जाएंगे। क्या करें? करिश्मा सिंह का फोटो भेज देते हैं, इन्हें नहीं पहचानते ये लोग। गुड, प्लीज शेयर योर मोबाइल नंबर। और ये दूसरा मोबाइल नंबर सेंड। थैंक यू। संतु जीते, यहाँ आओ ना, जरा आओ ना। पुष्पा जी, हमारे पास बहुत काम है। हाँ हाँ, पता है बहुत काम है। आओ इधर, आओ तो सही। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? क्या है ये? नहा के आया हूँ मैं। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो ना, हमारी जो बहू है ना, वो कल की बात को लेकर बहुत परेशान है। कल जो किया था ना उन्होंने नाटक यहाँ पे, अरे बारिश आ रही है, छाता खुली, मैडम आइए छाते में, सर्दी हो जाएगी। तो उस बात को लेकर वो बहुत परेशान है, उनको तो याद ही नहीं उन्होंने क्या क्या बोला, और ऊपर से हमने उन्हें न जाने क्या क्या बताकर और परेशान करके रख दिया है। तो हम बस चाहते हैं कि अब यही मौका है, उन्हें थोड़ा छेड़ते हैं। ठीक है, बताइए क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, उनको बस डराना है कि कल उन्होंने हसीना मैडम के सामने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, ऐसा बस थोड़ा सा बोलना है। ठीक है? ठीक है, डन। आगे चलो चलो चलो। जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद मैडम। आप यहाँ पर कैसे? हम यहाँ पर कैसे, मतलब हम ऐसा है स्थाना के हम यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होना चाहिए हमको? नहीं 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 मैडम, मतलब साधु जी कहने का ही मतलब है कि कल जो आप की है मैडम सर के सामने, इससे प्रचंड प्रदर्शन जो आप की है ना, उसके बाद अचानक से आपको संतु जी यहाँ पर देख कर ना आश्चर्यचकित रह गई है ना संतु जी। हाँ। बस कल हम नहीं थे ना, क्या हरकत कर दिया हमने मैडम सर के सामने? ऐसा कोई बताएगा हमको? क्या हरकत कर दी? तेरी। पूछ रही आप क्या हरकत कर दी? क्या कुछ नहीं बोला आपने? अपने मन के अंदर जो जहर भरा पड़ा था, जो भी गुस्सा था, सब निकाल के बाहर कर दिया, सब उगल दिया आपने, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैडम सर को? हमको। सब लोग तो यही
कहेंगे ना कि वो देखो है कितनी मासूम औरत जा रही है, जिसकी बड़बोली वाचाल बदतमीज भाइयात बहू है, जिसने गाय जैसी मैडम सर को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। क्या 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 बोल दिया हमने? ऐसा ऐसा क्या बोल दिया हमने मैडम सर को? बहुत कुछ बोल दिया। अम्मा तुम तो बोले कि तुम कल नहीं थे। पुष्पा जी बोले इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत कुछ बोले, इतना प्रवचन दिए मैडम सर के खिलाफ कि वो सब सुन के मेरे कान के दिए बुझ गए। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया क्योंकि मैं कल नहीं था ना। क्या हैं आप? क्या समझती है आप खुद को? इस थाने की मालिक है या भगवान है या आप हमें गुलाम समझती हैं? कि आपके पालतू बंदर हैं हम, कि आप डुगडुगी बजाएंगे और हम गुलाटी मारना शुरू कर देंगे? तुम्हारी जिंदगी से संबंध खराब हो गए संतू। नहीं मैडम, ऐसा मैंने नहीं बोला। ऐसा आपने बोला कल मैडम सर को। नहीं लेकिन मैडम, मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन क्या बेइज्जती की है, धुआंधार बेइज्जती, नॉनस्टॉप बेइज्जती, मुंह पर बेइज्जती, ये सब बेइज्जती सुनकर मेरी आंख कान नाक सब लाल हो गए। लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। अगर उनकी जगह मैं होता तो गोली मार देता। ऐसा इन्होंने बोला लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। मैं कल नहीं था ना। करिश्मा सिंह, ठीक है आप? आइए केबिन में, आपसे बात करनी है। जाइए जाइए मैडम, ठीक से जाइएगा। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। कल मैं नहीं था। सुन लिया? कल तुम नहीं थे। माफ कीजिए मैडम सर, समझ में नहीं आ रहा हमारा कल कैसे दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया और हम इतना बड़ा बवंडर कर दिए मैडम सर। देखिए जो भी कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश कर रहा है, अपना अपना इस्तीफा लेकर अंदर ही आ जाइए। आइए आइए। सॉरी सॉरी, भाग भाग। हम क्या कह रहे? हेलो हेलो, हाँ जी सर, आ जाना है ऑडिशन के लिए 12 बजे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम पहुंच जाएंगे। एड्रेस जी आप भेज दीजिए। थैंक यू। करिश्मा सिंह, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हैं। पता था मैडम सर हमें, अब इतना बड़ा बवंडर मचाए हैं, हम ऐसा हरकत की है तो प्रॉब्लम तो होना ही था। नहीं, हम सजा के लिए तैयार है, आप सुनाइए क्या सजा है। आप गलत समझ रहे हैं, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप कल वाले रायते के बारे में बात नहीं कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, और आपने कल कोई रायता नहीं फैलाया। हम बात कर रहे हैं उस अडल्ट कंटेंट वाले केस के बारे में। हमने फिर से उस गैंग को पकड़ने की कोशिश की है। इस बार हमने उस ऐप को डाउनलोड किया है जिसके जरिए वो एक्टर्स हायर करते हैं। फिर हमने रितिका बनकर उनसे बात की, जाहिर किया कि हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, और वो लोग मान गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमसे फोटोज मांगे। फिर मैडम सर? और फोटोज हम उन्हें दे नहीं सकते थे क्योंकि हम वहां पहले जा चुके हैं, तो वो लोग हमें पहचान जाते। इसलिए 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 हमने आपके फोटोज दिए। तो अब आपको रितिका बनकर वहां जाना होगा और ऑडिशन देना होगा। आप चाहते हैं हम रितिका बनके वहां जाए और उस रैकेट के खिलाफ सबूत इकट्ठा करें? बिल्कुल सही। लेकिन करिश्मा सिंह, ये हमारा दूसरा और आखिरी मौका है। इस बार हम फेल नहीं हो सकते। किसी भी कीमत पर हमें पुख्ता सबूत चाहिए। आप बिल्कुल भी मत घबराइए मैडम सर, हम कब से इस मौके की तलाश में घात लगाए बैठे थे। कब ये रैकेट हमारे हाथ आएगा और इसका हम रॉकेट बनाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन करिश्मा सिंह, आपको बहुत ध्यान से काम करना होगा क्योंकि ये लोग बहुत चालाक हैं, बहुत खतरनाक हैं। आपको 100% अलर्ट रहना होगा, कोई गलती नहीं। और प्लीज गुस्से में आकर कोई भी गड़बड़ मत कीजिए। बी वेरी केयरफुल, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए मैडम सर, बस हमारा एक समस्या आप हल कर दीजिए। हाँ हाँ प्लीज। वो हम जो जॉब कर रहे हैं, जो अभी परमानेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो कम पड़ गए हैं, तो हमें 4 घंटे वहाँ पे देना है। अब ये कैसे मैनेज होगा क्योंकि वहाँ हमें 4 घंटे जाना पड़ेगा। तो
तो अगर आप कुछ ऐसा कर दे कि हम यहाँ पे अपना ड्यूटी पूरा समर्पण के साथ कर दे और वो जॉब भी हमारे हाथ से ना जाए, वो जॉब बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत मुश्किल से इतना अच्छा जॉब मिला है। हम समझ रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे? ये बिल्कुल हो सकता है मैडम सर, अगर आप चाहें तो हो जाएगा। हम चाहें तो मतलब? मतलब जब तक हम यहाँ अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आप हमारी जगह वहाँ हमारे जॉब पे चले जाए तो हो सकता है मैडम सर। करिश्मा सिंह, ये आप मना मत कीजिएगा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है और ना हम किसी और पे भरोसा कर सकते हैं मैडम सर। और यहाँ रैकेट का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारा सबूत इकट्ठा करेंगे और बिल्कुल मतलब शांति से करेंगे सारा काम। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करके देखेंगे, हम वहां जाएंगे, हम कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। धन्यवाद मैडम सर। ये लीजिए, ये हमारा अल्टरनेट नंबर है, यानी कि अब ये आपका रितिका का नंबर है। इस नंबर पर वो लोग लोकेशन भेजेंगे, एड्रेस भेजेंगे और आपको 12 बजे तक ऑडिशन के लिए पहुंचना है, ठीक है? और सुनिए, जरा एक्ट्रेस के तरीके से तैयार होकर जाइएगा, मतलब ऐसा कुछ कि वो आपको देख कर ही सिलेक्ट कर ले, वैसे तैयार होकर जाइएगा। ये लीजिए, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट आपको भी। कपड़ा का दुकान लग रहा है, अंदर जाके निपटते हैं। बताओ, ये मैडम सर भी ना इतना छोटा कपड़ा पहना के हमको साड़ी की दुकान में भेज दिया, बहुत बढ़िया। आइए आइए मैडम, कहिए क्या चाहिए आपको? लहंगा? नहीं। चुनरी? साड़ी? नहीं नहीं नहीं। घाघरा? मैडम बताइए। टी शर्ट? नहीं नहीं, कुछ ये सब चाहिए ही नहीं। अरे मैडम जी बताइए तो, सब मिलता है यहाँ पे। नहीं पर हमें चाहिए ही नहीं ना भैया, हमको नहीं चाहिए, हम गलत पता पर आ गए हैं गलती से, कुछ नहीं चाहिए हमको। अरे रुकिए तो मैडम, एड्रेस तो हमें बताइए, किससे मिलना है आपको? अरे नहीं भैया, हमको अरुण नाम के इंसान से मिलना है, लेकिन हम गलत जगह आ गए हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है, हम देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। अरे मैडम बिल्कुल सही एड्रेस पे आई है, अरुण साहब से मिलना है ना आपको? जी आइए आइए, मैं मिलवाता हूँ आपको, आइए ना। आइए मैडम, आइए ना, क्या सोच रही हैं, आइए ना। आप यहां बैठिए, बैठिए ना, बस 2 मिनट। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना ये सब सर, सर प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज सर। अरे मैडम कुछ नहीं, ऑडिशन चल रहा है अंदर। हाँ ऑडिशन। नहीं मुझे नहीं करना ये सब। अरे अरे मैडम टेंशन क्यों ले रही हो, ऑडिशन चल रहा है ना, आप अंदर जाइए ना, जाइए ना मैडम। हाँ जा रही। Really? तो मिसेस करिश्मा सिंह ने आपको भेजा है यहाँ पर उनका काम संभालने के लिए? जी। नाइस, रियली नाइस। अगर आप और करिश्मा सिंह जैसे खूबसूरत और गुड लुकिंग फीमेल एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में मिल जाए ना, तो हम तो नॉर्मल कॉल की जगह वीडियो कॉल वाला सिस्टम शुरू करते हैं हमारे कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, फिर उन्हें कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, लोग तो आपका चेहरा देख कर ही भर भर के सिम कार्ड खरीद लेंगे हमारी कंपनी के, एंड प्रॉफिट ही प्रॉफिट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हम यहाँ सिर्फ करिश्मा सिंह की मदद करने आए,
दरअसल वो नहीं चाहती कि उनकी एब्सेंस में यहाँ पर आपका कोई भी काम रुके, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। दैट्स रियली अप्रिशिएटेड। बाय द वे, आप करिश्मा सिंह की फ्रेंड है क्या? हाँ कह सकते हैं। वाओ, एक आप है जो अपनी फ्रेंड के लिए कितना कुछ कर रही है, और एक वो है करिश्मा सिंह की बॉस। कौन? हसीना मलिक। ना उन्हें चैन से जीने देती है और ना मरने देती है। एक नंबर की खड़ूस, रूथलेस, हार्टलेस। ऐसा करिश्मा सिंह ने कहा आपसे? अरे नहीं नहीं, वो बेचारी किसी भी कुछ क्या ही कहेगी। वो तो मैंने आइडिया लगाया, यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ नहीं होती है, हर वक्त उसका ध्यान बस थाने में ही लगा रहता है, हमेशा बस डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, दबी दबी सी रहती है, जब देखो बस उसको थाने में भागने की पड़ी रहती है। अब ऐसी हालत तो उसी इंसान की होगी ना, उसका बॉस हसीना मलिक जैसा होगा, खड़ूस, पत्थर दिल, एकदम बकवास। बाय द वे, बातों बातों में मैं तो आपसे आपका नाम पूछना भूल ही गया, क्या नाम है आपका? हसीना मलिक। करिश्मा सिंह की जी, उनकी रूथलेस, हार्टलेस और खड़ूस बॉस हसीना मलिक। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम हियर। हाँ, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, आप यहाँ पर बॉस नहीं, यहाँ पर मैं बॉस। आप यहाँ पर मिसेस करिश्मा सिंह की जगह काम करने आई हैं, तो आप मेरी एम्प्लॉय हैं। इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली। साउंड्स गुड। चलिए आपको आपका डेस्क दिखा देता हूँ, आइए। ये हमारा ऑफिस है और ये आपका डेस्क। ओके। और आपकी चेयर। बाकी करिश्मा सिंह ने तो आपको काम समझा ही दिया होगा ना? बिल्कुल जी। साउंड्स गुड, तो यही काम पर। ओके, थैंक यू। एकदम अदरक कूट कूट के कूट कूट के कूट कूट के डाले। भाभी जी, टिप 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 टिप। 2000 का नोट आया कहाँ से? हाथ की सफाई। कहाँ दिखाई? इकबाल का गल्ला। तुम है सबसे बड़ा नल्ला। पूरा जमाना में हल्ला करते फिर तक था था था, बिल्लू दुश्मनी चोर था। अब ठीक हो? अभी भी छोड़ा नहीं, चोरी चकारी अब संतोष? नहीं नहीं, बस हुनर को थोड़ी सी धार लगाई, पाप की कमाई भलाई में लगाई, एक अबला नारी की मदद की, इससे मुझे दुआएं मिलेगी। कमली कमली में कमली की आप। बिल्लू क्या चल रहा है, बैठो शांति से। ये हसीना मलिक आखिर गई कहाँ? चल क्या रहा है उसके दिमाग में? पता लगाना पड़ेगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी सर। मैडम आप यहाँ यहाँ आइए, हम यहाँ टिकाते हैं। ए? नहीं, मैं यहाँ। मेरे लिए एक चाय। मैडम क्या मजाक कर रहे हो आप? हा? आप और चाय हा? अरे आप तो कॉफी पीती हो ना? कॉफी आज से बंद, आज से तुम्हारे यहाँ की चाय। वाह, बहुत अच्छा है। मैडम वो कॉफी चेक करने के लिए वो कुछ ज्यादा ही बोल गए हम, छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए। किसे? हमें और किसे? हाँ क्यों नहीं, आप हैं भी हमारी छोटी बहन जैसी। जब हम फोन ट्रैक कर रहे थे तो वो फोन ब्लैक कलर का था। सुबह से हसीना मैडम नहीं दिखाई दे रही, कुछ आइडिया है वो कहाँ है? पता नहीं,
अब क्या सीनियर है वो, जब उनकी मर्जी आए जब उनकी मर्जी जाए। वो भी ठीक है, दे दो। हाँ लीजिए, चाय पीजिए पीजिए पीजिए, पीकर देख ही लीजिए। क्या है ये मैडम? ये बदनाम स्पेशल है। यही है वो जहर जो पिछला इतना सालों से हम लोग रोज पीते आ रहे हैं और रोज सपना में इसका इसका इनकाउंटर करते आ रहे हैं हम लोग। पुष्पा जी, हमें कुछ फाइल्स चाहिए थी, आप प्लीज आएंगे हमारे साथ? हाँ हाँ मैडम, चलिए ना। वैसे बाद में देखते हैं। ओहो, कहा देखें, इधर या इधर, आई एम कंफ्यूज। संतोष जी, हम तो यहाँ बगल में, ठीक बगल में बैठे हैं आपके, आप किसको फोन लगा रही हैं? सुन जीते, उस दिन जो बिल्लू जी ने फोन चुराया था वो फोन था ब्लैक कलर का। तो अभी जो पार्वती जी फोन पे बात कर रही थी वो ब्लू कलर का था। मैडम आप बैठिए, हम फाइल लेकर आते हैं। ओके। हेलो हेलो मैडम, मैं संतोष शर्मा। हाँ संतोष बोलिए। मैडम सॉरी, सुनने में थोड़ा वियर्ड लगेगा लेकिन यहाँ का एक रूल है कि यहाँ पे जो भी चाय पीता है वो खुद अपनी चाय के पैसे देता है और आप भूल गई हैं पैसे देना। ओह आई एम रियली सॉरी, मैं बस अभी आती हूँ। जी जी मैम। संतोष जी, इसका मतलब ये है कि हम लोग जिस फोन के पीछे पड़े थे वो फोन तो इनका फोन था ही नहीं, असली वाला फोन तो वो है जो अभी इनके पास है। इसका मतलब है कि पुष्पा जी बिल्कुल सही थी, दूदू वो फोन। हाँ, इसलिए उस दिन वो जो फोन था वो ट्रेस नहीं हो रहा था। संतोष जी आ गए आ गए।